जहां टमाटर उगता है टमाटो केचप का कारखाना, जहां सोयाबीन उगाया जाता है वहां तेल का कारखाना, कोल्ड चेन बनाना चाहते हैं, आपको किसानों को स्टोरेज की फैसिलिटी देना चाहते हैं कि आपका जो माल है आपको उसके लिए सही दाम मिले, अनाज के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए आपको सही दाम मिले। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हर साल हम एमएसपी को बढ़ाते थे। नरेंद्र मोदी जी एमएसपी को नहीं बढ़ाते हैं, आपसे उन्होंने भी बोनस छीन लिया। आप बोनस का, आप बीमा का पैसा डालते हो, आपके जेब में से निकलता है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा ढांचा प्राइवेटाइज कर दिया, अपने मित्रों को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स बांट रखे हैं। अनिल अंबानी को जम्मू कश्मीर दे रखा था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स अनिल अंबानी को दे रखे हैं। आप लोग बीमा का पैसा डालते हो, नुकसान आपका होता है और हजारों करोड़ रुपए उन्हीं 15-20 लोगों को फायदा होता है। दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का हिंदुस्तान, और दूसरा अनिल अंबानी का, मेहुल चौकसी का, नीरव मोदी का। उनके पास प्राइवेट हवाई जहाज, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ, उनके बच्चों के लिए बेहतरीन कॉलेज, प्राइवेट अस्पताल, और दूसरे हिंदुस्तान में जो गरीब लोग हैं, आप बीमार हो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ेगा, प्राइवेट अस्पताल में आपको एमआरआई कराना हो, ऑपरेशन करवाना हो तो जेब से पहले पैसे निकाल के दो। उन्हीं 15-20 लोगों को, मेहुल चौकसी को, नीरव मोदी को, विजय माल्या को, उन्हीं को पैसे दो। किसी के घर में कैंसर होता है, दिल का दौरा पड़ता है, दिल की बीमारी होती है, लाखों रुपए आप निकाल के दो, पूरा का पूरा फायदा उनको। बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लॉयर बनाना है, पहले जेब में से पैसा निकालो, लाखों रुपए उनके जेब में डालो, फिर आपके बच्चे लॉयर इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। एक हिंदुस्तान होगा, एक झंडा है, एक हिंदुस्तान होगा। अगर उनका कर्जा माफ होगा तो किसान का कर्जा माफ होगा, अगर उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी तो किसान, मजदूर, छोटे दुकानदारों के बच्चों को शिक्षा मिलेगी, अगर उनको स्वास्थ्य मिलेगा तो फिर आपको भी स्वास्थ्य मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। 2019 में बजट में सरकारी अस्पताल खोलने के लिए, सरकारी स्कूल कॉलेजेस खोलने के लिए हम पैसा डालेंगे, आपके लिए डालेंगे, आपके भविष्य के लिए डालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट लोगों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। आप प्राइवेट अस्पताल खोलना चाहते हो आप खोलो, आप प्राइवेट कॉलेजेस खोलना चाहते हो आप खोलो, मगर सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके भी बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी हों, उनके बच्चों के लिए भी अस्पताल हों, उनके माता पिताओं के लिए भी अस्पताल हों। यह जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। और आज हिंदुस्तान में जहां भी देखो नरेंद्र मोदी जी नफरत फैलाते हैं, एक धर्म दूसरे धर्म के बीच में नफरत, दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है, रोहित वेमुला जैसे युवाओं को कुचला जाता है, और इनका लक्ष्य कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना। नरेंद्र मोदी दिल में चाहते हैं, जैसे उन्होंने नोटबंदी में 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट खत्म किया, वैसे नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग कभी नहीं छू पाएंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं छूने देगी। सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आते हैं, खड़े होते हैं प्रेस के सामने, कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, न्याय नहीं दे सकते हम,
आमतौर से जनता सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जजेस के पास जाती है, पहली बार इतिहास में देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस के सामने आते हैं, जनता के सामने आते हैं, कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, जनता से कहते हैं हमें न्याय दो, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। आरबीआई से बिना पूछे नोटबंदी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस को काम नहीं करने देते, इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालते हैं, जो भी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन है सबको खत्म करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति राज करे, भाषण में कहते हैं, लाल किले में जाके कहते हैं मेरे आने से पहले, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हाथी सो रहा था, हाथी सो रहा था, मतलब मेरे आने से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ, अकेला ही वो हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं। मगर जब चोरी पकड़ी जाती है, जब चौकीदार की चोरी पकड़ी जाती है, तो फिर चौकीदार कहता है पूरा हिंदुस्तान चौकीदार। सरकार एक व्यक्ति चलाएगा, अनिल अंबानी की मदद, अदानी जी की मदद एक चौकीदार करेगा, मगर जब चोरी पकड़ी जाती है तो फिर पूरे देश को चौकीदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी आप देश को समझाइए, आपने बात बोली थी मैं चौकीदार हूं, आपने यह नहीं बोला था कि पूरा देश चौकीदार है। आप देश को समझाइए, 30,000 करोड़ रुपए आपने चोरी करके अनिल अंबानी को क्यों दिए? आप देश को समझाइए कि एयरफोर्स से आपने 30,000 करोड़ रुपए चोरी क्यों किया? पूरा देश आपसे पूछ रहा है, देश को आप जवाब दीजिए, बहाने मत बनाइए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, विचारधारा की लड़ाई है, यहां पे हम जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, सारी की सारी सीटें यहां पे हमें जीतनी है, हर पोलिंग बूथ पे आपको लड़ना है, हर पोलिंग बूथ पे लड़ना है और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। आप हमारे लड़ते हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप दूर दूर से यहां आए, गर्मी में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।